इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठे प्रोपगेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कहानी कहाँ से स्टार्ट है? ये कहानी स्टार्ट है मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट से। मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट क्या है? उसने क्या किया, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने कि एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टडी किया, जैसे कि हमने किया। उसने कहा कि सपोज ये एक वायर है, ये एक बैटरी है, ये स्विच है, और ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। मैं जैसी इस बैटरी स्विच को ऑन करूँगा तो इसमें करंट इंक्रीज होगा जब तक स्टेडी स्टेट या मैक्सिमम करंट नहीं हो जाता, तब तक कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को पास होने देगा। लेकिन जैसी स्टेडी स्टेट हो जाएगा, करंट ब्लॉक कर लेगा कैपेसिटर और करंट जीरो हो जाएगा। पर जब तक जा रहा है करंट, तब तक तो जाने देगा उससे, जब तक इंक्रीज हो रहा है। तो मान लो करंट इसमें इंक्रीज हो रहा था, तो मैक्सवेल ने कहा कि ठीक है एसीएल लगाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट का एम्पियर सर्किटल लॉ, तो वो एक क्लोज्ड पाथ यहाँ पे ले लेता है। ठीक है, क्लोज पाथ ले लिया करंट कैरिंग वायर के आसपास। वो कहते हैं जो क्लोज पाथ है ना, उसमें बी डॉट डी एल की इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर आएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट टाइम्स आई। कोई डाउट इसमें? अब वो कहते हैं कि ठीक है एक क्लोज्ड पाथ हम इसके बीच में लेते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लेते हैं, क्योंकि उसने कहा एम्पियर सर्किट में कहा तो था कि अगर पूरे सर्किट में आई करंट है क्लोज पाथ जहां मर्जी ले लेना। वो कहता है ठीक है जहां मर्जी लेना है, पूरे सर्किट में आई करंट है, मैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लेता हूं। अब जब वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में बी डॉट डी एल की वैल्यू लगाता है तो उसको कहीं वायर तो दिखती नहीं है, और वो क्या बोलता है कि बी डॉट डी एल मेरा क्या आ गया? जीरो। वो एम्पियर से पूछता है भाई कैसे? एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि तू गलत है, क्योंकि मैंने तो बोला था कि पूरे सर्किट में अगर आई करंट जा रहा है तो जहां मर्जी क्लोज पाथ ले लेना, आंसर आएगा म्यू नॉट इन टू आई, जबकि यहां पे नहीं आया। अब यहां पर वो चैलेंज कर रहा है एम्पियर सर्किट लॉ को कि भाई तेरा लॉ गलत कैसे हो गया? लॉ तो लॉ है, लॉ तो गलत हो ही नहीं सकता, राइट? तो करंट कैसे पास कर गया कैपेसिटर की प्लेट्स में? वैसे करंट पास कर गया क्योंकि इस कैपेसिटर की क्या हो गई? चार्जिंग। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी ट्रांसफर हो गई, वो एनर्जी के चक्कर में यहाँ करंट आगे ट्रेवल कर गया, चार्जिंग और चार्जिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी इसमें आ गई। ऐसा ही हुआ, पर वायर तो नहीं है बीच में, करंट तो नहीं है, तो ये वो बात तो ये भी सही कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो या तो एम्पियर सर्किट लॉ को गलत करना पड़ेगा आज की डेट में, या फिर ये कुछ नया रिजल्ट निकालेगा। अब लॉ तो गलत होने से रहा, अब ये रिजल्ट मॉडिफाई करेगा, कैसे करेगा? ये कहता है कि ठीक है हम एक काम करते हैं, ये आपकी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं पी एंड क्यू, और ये क्लोज पाथ है एक वायर के आसपास और एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ पर जो सी वन सर्कल पे उसने बी डॉट डी एल जब लगाया तो आंसर म्यू नॉट इन टू आई आया, लेकिन जब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में लगाया आंसर जीरो आया। लेकिन लॉजिकली दोनों क्या होने चाहिए थे? इक्वल। लेकिन ये इक्वल, ये एक्सपेक्टेड था कि इक्वल होंगे, एक्सपेक्टेड था, पर ये लॉजिकली क्या आ गए? इनकंसिस्टेंट आ गए, ये गलत हो गया। यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब मैक्सवेल को आइडिया आया, और आइडिया किसका आया? डिस्प्लेसमेंट करंट। वो कहता है जी काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कि उसे भी पता था कि कैपेसिटर की प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल कर रही है और करंट इस फॉर्म में जा रहा है। तो वो ये कहता है काम करते हैं कि यहाँ पर इमेजिन करते हैं, इमेजिन कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे खाली प्लेट्स के बीच में यहाँ पे कोई इमेजिनरी करंट है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब उससे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए तो क्या चाहिए होगा? वायर चाहिए होगी, वायर तो है नहीं। वो कहते हैं इमेजिन कर लो कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, और इसका होने का रीज़न और इसकी जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला उसने दिया डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा वहाँ पर ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट करंट कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो गया, कैपेसिटर प्लेट्स को पास करंट को पास होने नहीं देगा। तो उसने क्या डिफाइन किया? इमेजिनरी करंट जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू उसने हमें ये बताई। और उसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहीं
जहां पर क्या होगा, करंट अपनी वैल्यू को क्या करेगा, चेंज करेगा, और फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अब उससे पूछा इससे क्या फ़ायदा हुआ, उसने कहा देखो फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो तो इसकी वैल्यू वायर के करंट के इक्वली आती है। तो जो वायर में करंट जा रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इनका मैग्नीट्यूड एकदम सेम होता है, निकालने का तरीका डिफरेंट है। उसका निकालने का तरीका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, इसका निकालने का तरीका तो वायर का करंट है। तो ये कहता है कि आप एक काम करो, जो एम्पियर सर्किट लॉ है, दैट इज बी डॉट डी एल की इंटीग्रेशन, एम्पियर सर्किट लॉ को वो मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई करके कहता है कि ये हो, ये कंप्लीट लॉ है, एम्पियर सर्किट लॉ इनकम्प्लीट था, ये कंप्लीट हुआ कैसे। वो कहते हैं कि अगर तो आती है फिजिकल वायर, फिर तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा जीरो, म्यू नॉट इनटू आई, और अगर आ जाता है प्लेट ऑफ कैपेसिटर तो फिर ये जीरो हो जाएगा और क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, वैल्यू दोनों में क्या रहेगी एग्जैक्टली सेम। अब बात बन गई, अब तुम क्लोज पाथ जहां मर्जी लो, कैपेसिटर की प्लेट्स में लो या ना लो, आंसर क्या आएगा, बी डॉट डी एल का एग्जैक्टली सेम। तो उसने अपना नाम जोड़ा, उसने कहा आज के बाद एम्पियर सर्किट लॉ ने मेरे नाम के साथ एम्पियर मैक्सवेल लॉ नाम से ये लॉ मशहूर हो गया, नाम मॉडिफाई किया उसने। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट की हिस्ट्री है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, और आप सब ये देख रहे हो, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या लेना देना है भाई, ईएम वेव कहाँ से आई, ये कहानी चल रही थी ईएम वेव की, और पता नहीं क्या कहानी सुना गए कि डिस्प्लेसमेंट का नाम की चीज़ है। हुआ क्या, काम तो हो रहा था डिस्प्लेसमेंट करंट पे, पर एक्सीडेंटल डिस्कवरी देखो, कुछ नई चीज़ निकल के आ गई इसमें से, और नई चीज़ क्या हुई, जिससे ये चैप्टर का रुख ही चेंज हो गया। अब देखो डायरेक्शन क्या जाएगी, कहानी यहाँ से स्टार्ट है लेकिन अब जाएगी देखो कहाँ। अब हुआ क्या, जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो मैक्सवेल ने ये देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज। अब हमने पिछला चैप्टर किया कि अगर आप किसी भी रिंग को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, करंट पैदा हो जाएगा या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, किया था हमने। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे यहाँ पर, या अगर करंट पैदा करोगे एक वायर में, करंट सेंड करोगे वायर में, वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा कर देगा आसपास, ऐसे ही है। तो देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, मैक्सवेल बोलता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हो इस स्पेस के अंदर, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता, तभी तो इस नेचर की फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जीरो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो एक्चुअल में दोनों फील्ड्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इसके बीच में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाएगा, अपने आप पैदा हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वाइस वर्सा भी ट्रू है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सिमिट्री समझ में आ गई लोगों को। तो ये एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इस प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स को भी देखा गया, वो भी अपने आप पैदा हो गया। अब ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोट कर ली, इस ऑब्जर्वेशन से बस यही समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की कोई चीज़ है, वो तो चलो अलग ही एक एक्सपेरिमेंट था, डिस्प्लेसमेंट करंट ये रहा। डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू द प्ले इन अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। ये इसने डेफिनेशन बनाई, ये उसने वैल्यू बताई डिस्प्लेसमेंट करंट की, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाइव बाई डी टी, और ये बताया कि कंप्लीट लॉ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है यहाँ तक, इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हिस्ट्री कहाँ से आई, क्योंकि अब छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी कि प्लेट्स में ई चेंज हुआ तो बी अपने आप पैदा हुआ, तो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये बात को पकड़ लिया, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को साइनोसाइडली चेंज किया, कभी ज़्यादा कभी कम डायरेक्शन चेंज की, कुछ ऐसे। तो उन्होंने देखा कि उसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप ही पैदा हो गया, और उसकी नेचर भी साइनोसाइडल थी। तो अगर आप इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडली चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा हो जाएगा, जो कि साइन वेव की तरह पैदा होगा, साइन वेव को फॉलो करेगा, एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होगा, कुछ ऐसा ये अपने आप पैदा हुआ है। या उल्टा भी ट्रू है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को साइनसॉइडली करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर अपने आप पैदा हो जाएगा। और दोनों के दोनों फील्ड क्या हैं, एनर्जी है, दिखता तो कुछ नहीं है, ये तो कहने की बात है, दिख तो कुछ नहीं रहा, ये एनर्जीज हैं और ये एनर्जीज आगे प्रोपगेट करेंगी इस डायरेक्शन में, तो एनर्जी की फॉर्म में आगे ट्रेवल करेगी। तो एक बात बताओ, एनर्जी का आगे ट्रेवल करना यानी कि वेव का आगे प्रोपगेट करना बात एक ही है, क्योंकि वेव क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ प्रोपगेट कर रही है, इधर कर रही है, ये देखो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस प्लेन में है, इस प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है, इस प्लेन में है। वेव कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। आपस में तीनों कितने एंगल पर हैं, 90 पे हैं। तो ये रूल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को साइनोसाइडली चेंज करते हो, इट गिव राइज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड बोथ प्रोपगेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये ईएम वेव है। ऐसे डिस्कवरी हुई, करने कुछ गए थे और हो कुछ नया ही गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट में बताया गया। मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला था 1864 में, और 1865 के आसपास ये पता लगा कि देयर इज़ अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम एट अ पॉइंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड देयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा किसी भी प्लेस पे तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही पैदा हो जाएगा, ठीक। और ऐसी वेव्स जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, EM waves are those waves in which there is a sinusoidal variation of electric and magnetic field. तो sinusoidal का मतलब electric और magnetic field sinusoidal nature है, and right angle to each other as well as at right angle to the direction of wave propagation. तीनों के तीनों आपस में 90 degree पे होंगे। Next है इसमें speed of EM wave c 3×10^8 होती है, जिसका formula 1/√μ0ε0 होता है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ईएम वेव्स की ये प्रॉपर्टीज हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, पहली प्रॉपर्टी है प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वही सेम प्रॉपर्टी, एंड टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो तीनों फील्ड, तीनों चीजें आपस में क्या होंगी, 90 डिग्री पे होंगी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता। तो हमें ईएम वेव जनरेट करने के लिए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो स्टैटिक यानी कि रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज ईएम वेव कभी जनरेट नहीं करता। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ चार्ज कभी भी ईएम वेव जनरेट नहीं करता। एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब जो स्पीड इंक्रीज करता है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे कि ईएम वेव जनरेट होती है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ईएम वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट है, ईएम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट है फ्री स्पेस में, वैक्यूम में स्पीड ऑफ ईएम वेव इसके इक्वल है, और अगर मीडियम चेंज होगा तो म्यू नॉट की जगह म्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन एम हो जाएगा, स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लाइट की स्पीड मीडियम में चेंज हो जाती है, सबको पता है, लाइट इज एन ईएम वेव्स, ठीक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि ट्रांसफर वेव है तो दो वेव मिलकर एक नई वेव जनरेट कर सकती हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर इम्पोज करके नया इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, क्योंकि साइनोसाइडल नेचर है। वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज टेक प्लेस एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट इन द स्पेस, मतलब अगर इस पॉइंट पर ई चेंज हो गया उसी वक्त बी भी चेंज होगा, बाद में चेंज नहीं होगा, उसी वक्त चेंज हो जाएगा। अगर ई कम हो गया बी कम हो गया, ई ज़्यादा हो गया बी ज़्यादा हो गया, सच दैट अगर आप ई और बी की किसी भी इंस्टेंट वैल्यू को डिवाइड करें तो इट विल गिव द वैल्यू ऑफ सी। तो मान लो अभी इसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, डिवाइड करेंगे तो सी आ जाएगा 3×10^8। जब ई बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, रेशियो विल रिमेन सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
द एनर्जी इन ई एम वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो जो भी स्पेस में अगर ई एम वेव है तो उसमें आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक होगी और आधी एनर्जी मैग्नेटिक होगी, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं. नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट. मान लो ई एम वेव आ गई, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रोशनी नहीं जनरेट कर सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट हैं. अगर सन से लाइट आ रही है और वो ई एम वेव आ रही है और ई एम वेव एटमोसफेयर में आती है तो लाइट हमें दिखती है, तो लाइट इज एन ई एम वेव, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है लाइट को दिखाने के लिए. मैग्नेटिक फील्ड से कोई लाइट जनरेट नहीं हो सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइट वेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्या ये पॉइंट क्लियर है?